हेलो एवरीवन एंड अनअकैडमी डिफेंस मेंटर्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वेल एफकेट की फॉर्म फिलिंग हैज फाइनली स्टार्टेड एंड इट्स द टाइम टू टच द स्काई विद ग्लोरी सो मैं आकाश सुंदेव आप सबके लिए लेकर आया हूं एक अल्टीमेट गाइड टू फॉर्म फिलिंग फॉर एफकेट वन ट्वेंटी जी हाँ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड सो आपका कोई भी डाउट हो वैसे तो ये इस वीडियो से सॉल्व हो ही जाएगा बट इन केस डाउट बच जाता है सो मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो लेट्स स्टार्ट दिस सबसे पहली चीज है कि आपको फॉर्म फिलिंग करनी कहां पे है सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट afcat.cdac.in/afcat वहीं पे फॉर्म फिलिंग का ये फर्स्ट स्टेप है जो आपका स्टार्ट होता है सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग दिसंबर यू कैन अप दिस फॉर्म सो डेडलाइन तो आपकी तीस दिसंबर है लेकिन मैं आपको एक एडवाइस ये देना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिलिंग कर ले प्लीज डोंट वेट टिल द लास्ट क्योंकि आपको सेंटर सिलेक्शन भी करनी होती है आप ये भी चाहेंगे कि आपको अपनी मर्जी का सेंटर मिले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरे एनी टू क्लिक दैट क्लिकेट लॉग इन जी हाँ जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे सो so कुछ इस तरह से ये अपियर होगा यहां पे सो यू हैव टू क्लिक ऑन एफ कैट जो कि आप एग्जाम एक्सपायर कर रहे हैं उसको आप क्लिक करेंगे देन यू विल विंडो लाइक दिस बहुत सिंपल प्रोसेस है इसमें यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर है सो so आप यहां पर क्लिक कर देंगे यू विल सर्टली रजिस्टर ओवर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ डिटेल्स अपनी भरनी होगी बहुत बेसिक डिटेल्स है जैसे आपका नाम फादर्स नेम मदर्स नेम आपकी ईमेल आई डी ऑफ कोर्स इंडियन है योर मोबाइल नंबर एंड आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो होनी चाहिए जो बहुत एक्टिव है जो अभी ऑफ कोर्स यूज कर रहे हैं आप बिकॉज़ ईमेल और मोबाइल पे यू विल गेट दीज ओ एंड अगर वो ऑपरेशनल नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको टीपी नहीं मिलेंगे सो so यू sure कि आप वही uh, यहां पे डिटेल्स दें जो कि आप कहीं ना कहीं चाहेंगे कि उसके ऊपर प्रॉपरली ओटीपी आ जाए हैविंग सेड दैट अगला जो स्टेप होता है आपका वो होता है दैट यू हैव गॉट द ओटीपीज एंड फाइनली नाउ योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन सक्सेसफुली सो अब आप क्या करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है वहां पे एक मेल आएगी कुछ इस प्रकार की वहां पे सिस्टम जनरेटेड एक पासवर्ड होगा वेरी सिंपल दिस इज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अब वो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड जो है आप उसको यहां पर लॉगिन को क्लिक कर देंगे

ंग टू दिस थिंग आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है एंड देन यू हैव टू सेव रेड ऑल दीज गाइडलाइन एंड टू क्लिक आप सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करते हैं देन यू मूव ऑन टू दू पेज है वहां पर आप चलते हैं एंड नेक्स्ट पेज इज एक्चुअली द एप्लीकेशन फॉर्म जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे ये है आपका एफ कैट एप्लीकेशन फॉर्म तो देखिए किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप देखते हैं हैव अ फ्यू थिंग्स पे भी कुछ ऐसा ही है कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछेंगे क्वालिफिकेशन आपकी पूछेंगे, पूछेंगे और कम्युनिकेशन डिटेल्स इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल हैिटी मोबाइल नंबर आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई भी तो इस तरह की बहुत बेसिक्स बेसिक सी चीजें हैं जो कोई भी भर सकता है आम शो sure आप तो भरी लोगे फाइन हैविंग दैट व्हेन वी सी दिस एंटायर थिंग तो यहां पे वो पूछेगा आपसे कि पीएबीटी स्टेटस क्या है आपने पहले कभी अपीयर नहीं किया तो नॉट अपीयर क्लिक कर दे पास कर चुके हैं पहले FSB में गए थे तो आप पास में क्लिक कर दे फेल कर चुके हैं तो आप फेल पे क्लिक कर दे देट आर यू सर्विंग पर्सनल इन द इंडियन एयरफोर्स आपका जेंडर मैरिटल स्टेटस डेट ऑफ बर्थ यू हैव टू कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ अगेन एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू आई होप इट्स एब्सल्यूटी क्लियर अब इसके बाद वी कम टू अटेट जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. है या तो आप ग्रेजुएट हो गए या आपकी ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होगी या फिर टेन प्लस टू के बाद जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन वो होगी तो जस्ट बिकॉज मेजोरिटी ऑफ यू आर ग्रेजुएट राइट तो मैं यहां पे ग्रेजुएशन जैसे चूज करता हूं क्लियर आप जो भी आपको जो अप्रोप्रिएट आप चूज करेंगे सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि यहां पे जैसे ही आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं तो आप आगे यहां बढ़ जाएंगे नाउ व्हेन वी मूव अहेड तो आप यहां देख सकते हैं कि एजुकेशन लेवल जो है मैंने यहां पे टेन प्लस टू ग्रेजुएशन चूज कर लिया है नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द ग्रेजुएशन लेवल ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेजुएट ऑप्शन ए ग्रेजुएट ऑप्शन बी ग्रेजुएट ऑप्शन सी या फिर ग्रेजुएट ऑप्शन डी यहां पे मैक्सिमम क्वेरीज आती है हमें आ, काफी बार कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को सो so, मैं वो सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि ग्रेजुएशन लेवल ए बी सी डी जो है वहां पर आपको किस तरह से टैकल करना है वैसे तो आप यहां पे अगर क्लिक करते हो व्यू डिटेल्स तो कुछ इस तरह के विंडो खुल जाएगी मैंने उसको और आ, इजी करने की कोशिश की आपके लिए तो देखिये एक है ग्रेजुएट ऑप्शन ए एक है ग्रेजुएट ऑप्शन बी एक सी और एक डी मान लीजिए मिनिमम ईयर की ग्रेजुएशन है है आपकी या 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 फिर BTEC, uh, या फिर आपने क्लियर किया सो so, पे डिप्लोमा होल्डर्स जो है वो एलिजिबल नहीं है या तो आपकी प्रॉपर ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में या फिर आपने ए एम आई एस आई वगैरह क्लियर किया एनी मैकेनिकल डिसिप्लिन जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है आपने या इनमें से कोई भी इंजीनियरिंग की है जो कि आप देख सकते हैं यहां पे बहुत क्लियरली मैं तो आप ग्रेजुएट ऑप्शन ए में जाएंगे अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में की है जो कि यहां पे मेंशन है तो आप ग्रेजुएट ऑप्शन बी में जाएंगे अगर आपके पास बी कॉम डिग्री है बीबीए है स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस आपके पास बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है बी जो होती है जो गो बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज बी इन फाइनेंस है आपकी तो आपको सिंपल सी पॉइंट है कि यहां पे ऑप्शन सी पे जाना है और डी मतलब क्या अगर आपकी एनी अदर ग्रेजुएट हो या बीई बी हो या फिर एबीसी कहीं पे भी आप फिट नहीं बैठ रहे हो तो ग्रेजुएट ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे तो इट इज टोटली ऑन यू कि आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, इसको uh, बहुत बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करिएगा एनालाइज करिएगा ओनली देन यू फिल दैट अप ठीक है सो दैट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू इस पर मैं नहीं बता सकता कि आप कौन सी भरे सो so, uh, एग्रीगेट परसेंटेज भरनी होती है कोई बैकलॉग है कि नहीं है वैसे आपको नो ही भरनीस yes, अगर करोगे तो एलिजिबल नहीं होगा योर परसेंटेज इन टेन प्लस टू उसके बाद आपकी फिजिक्स uh, की परसेंटेज क्या थी ट्वेल्थ में मैथ्स की परसेंटेज क्या थी ट्वेल्थ में देन यू क्लिक ऑन सेव एन कंटिन्यू इट्स इज दैट बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है अगर मैं आपको सही में बताऊं सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट सेशन आगे बढ़ाने से पहले मेक यू शेयर द सेशन इफ यू वॉन्ट टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स और कमेंट करते रहो अगर कहीं पर भी डाउट आता है आई एल बी क्लियरिंग दैट ऑफ में आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगा मूविंग ए हेड यू हैव टू बेसिकली टेल कि आपके पास एन सी सी सर्टिफिकेट है एयर विंग का कि नहीं है uh, क्या आप पहले एस एस पी में कभी अपेयर हुए हैं कि नहीं क्या आपने गेट एग्जाम दिया है कौन सेयर में दिया था गेट स्कोर क्या है मतलब ऑल दीज थिंग्स यूर सपोज टू फेल बेसिकली मैंने यहां पर इंजीनियरिंग चूज किया था

बेस्ट पार्ट इज वेपन सिस्टम भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा सो so ये बहुत ही एक नई चीजें हैं जो आपको इस बार देखने को मिल रही है सो यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द एलिजिबल कोर्सेज आपकी क्या प्रेफरेंस उस हिसाब सेलेक्ट करेंगे तो जैसे आप सिलेक्ट करते रहते हैं तो इधर मूव करता है जैसे फ्लाइंग है एरोनोटिकल इंजीनियरिंग है एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक मेट वेपन सिस्टम मतलब ये आपकी एक प्रेफरेंस होगी कि आप किस प्रेफरेंस में उसको रखना चाहते हैं टोटली इज डिपेंडेंट ऑन यू हैविंग सेट दैट नाउ वी मूव हैड एंड यहां पर फिर से अदर जो डिटेल्स है वो आपने बेसिकली यहां पर भरी दी है एंड इसको करने के बाद एक बहुत खास चीज आती है दैट इज योर फोर्थ थिंग जो आपकी कम्युनिकेशन आपसे कैसे वो कर सकते हैं जो भी आपकी एड्रेस वगैरह है वो आता है सो so आप देख सकते पहले तीन सबसे इंपॉर्टेंट थे ये तो आप भरी लेंगे योर सिटी योर पिन कोड एवरीथिंग इज वेरी इजी पर्मानेंट एड्रेस करेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड देन यू क्लिक ऑन सेवन कंटिन्यू नेक्स्ट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ उसके बाद आपकी साइन इसमें कैच है वो मैं आपको बता दूं इनकेस आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं सो so, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है दिल बी कि आपको नाम क्या रखना है फाइल का यह बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मान लीजिए आप पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर रहे हो तो उस फाइल का आप नाम रखेंगे पासपोर्ट अंडर स्कोर फोटोग्राफ जैसे आप साइन अपने अपलोड कर रहे हो तो उसका नाम आप रखोगे सिग्नेचर आप थम इंप्रेशन अपलोड कर रहे हो उसका नाम आप रखोगे थम इम्प्रेशन सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोटिस कि किस प्रकार से आप फाइल का नाम रखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो पासपोर्ट एंड फोटोग्राफ थम एंड इंप्रेशन दिस इज सर्टनली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप इन योर माइंड तब जाके ये पूरी की पूरी आपको क्लैरिटी मिलनी है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना वैसे वहां पे दिया हुआ है सो आई थिंक आपको ये क्लैरिटी uh, मिल जाएगी किस हिसाब से हमें उसमें वी हैव टू गो अबाउट दैट यू विल गेट टू नो एनी इन द प्लेस देन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू देन यू मूव टू द सेलेक्टिंग ऑफ एग्जाम सिटी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप पांच प्रेफरेंस यहां पे भर सकते हैं सिक्वेंशियली आप भरेंगे कौन सी आपकी प्रायोरिटी है तो अच्छी बात क्या है कि यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग जैसे यहां पे अपने स्टेट भरी वहां पे सिटी भर दी उस स्टेट की ऐसे तो जो भी आपको सिटीज चाहिए वो इस हिसाब से आप चूज करते रहेंगे प्रेफरेंस वाइज भरिएगा वैसे तो आपको फर्स्ट मिल ही जाएगी आप जल्दी फॉर्म भरेंगे बट स्टिल इन केस यू डोंट गेट द फर्स्ट वन तो आपको नेक्स्ट तो मिल जाएगी तो इस हिसाब से आपको इस चीज को बहुत ही ध्यान से भरना है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नाउ वंस यू थ्रू दैट उसके बाद आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाता है आपका जो भी एफकेट का एप्लीकेशन फॉर्म है ताकि कोई दिक्कत हो तो आपको पता चल जाए सो so, जो भी आपने भरा है थिंग so एंड uh, ये सब चीजें आप देखेंगे उसके बाद आप सेवन कंटिन्यू कर देंगे उसके बाद फिर से रिव्यू डिटेल का ऑप्शन आता है कि भाई आपकी डिटेल्स जो है वो सही है कि नहीं मेरी फादर्स नेदर ने जेंडर ये सभी चीजें आपसे पूछी जाती है देन यू सबमिट द डिटेल एंड देन यू गेट ए मेल ई में कन्फर्म कर दिया जाएगा ये सारी चीजों को और वहां पर बोला जाएगा एप्लीकेशन फी नॉट रिसीव्ड ऑफकोर्स अभी तक तो एप्लीकेशन तो फी पे नहीं किया देन यू कम बैक यहां पे कैसे uh, एक बार फिर से हम लॉग इन कर लेते हैं एंड आप यहां पे जैसे आते हैं तो ये मेक द पेमेंट का ऑप्शन आएगा यू चूज इन दैट मैन यू चूज ऑन दैट तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखेगा कैसे भी आप पे कर सकते हैं जैसे मान लीजिए नेट बैंकिंग बड़ा कन्वीनियंट है तो टू फिफ्टी की फी है पेटीएम से भी पेड एंड यहां पर आ गया दैट पेमेंट हैज बीन रिसीव पेमेंट इज सक्सेसफुल एंड एडमिट कार्ड विल बी इशूड लेटर ऑन तो वो सबको यही आएगा नाउ यू अगेन प्रिव्यू द एप्लीकेशन आपने एप्लीकेशन देख लेनी है तब तक आपको ई भी आ जाएगी एंड द बेस्ट पार्ट इज ई में आपको ही लिखा आना चाहिए पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है तो ये आप थोड़ा सा नोटिस करना इस पर्टिकुलर चीज को कि क्या पेमेंट हैज बिन रिसीव सक्सेसफुली और नॉट बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए सो so, यहां पर इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करिएगा वांस यूर डन विद Uh, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको मैसेज भी तब तक आ चुका होगा आपके फोन में भी कि भाई एफ एफ एप्लीकेशन फी इज रिसीव एप्लीकेशन फॉर्म हैज सक्सेसफुली सबमिटेड है नाउ व्हेन एवरीथिंग हैज थिंग डन उसके बाद फिर से आप रिव्यू कर सकते हैं एप्लीकेशन को वैसे अगर आप चाहे तो एंड देन यू आर ऑलरेडी डन विद ऑल दीज थिंग्स आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है आपका फॉर्म भरा जा चुका है एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच इज आपको क्लैरिटी मिलती है जिस फिफ्टीन मिनट्स की वीडियो में आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी थिंग एफकेट वन ट्वेंटी ट्वेंटी के फॉर्म फिलिंग पूरी बताई आपको नाउ इन केस यू डोंट नो अबाउट अ टीम मेक श्योर यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल इस यूट्यूब चैनल को जो आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें लाजमी आकाश रंदेव अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया अन अकेडमी आप पे, जरूर आप फॉलो करें ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे द्वारा मेरी पूरी टीम के द्वारा डू लाइक एंड शेयर द सेशन इफ एंड इट वेरी मच यूजफुल एंड इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लाता रहूंगा पूरी टीम लाती रहेगी अराउंड एफकेट वन ट्वेंटी ट्वेंटी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भी हम लोग एक गरुड़ बैच चला रहे हैं विच इज एप्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम है वो एक और स्पेशल बैच लाने की तैयारी हो रही है आप सबके लिए आपके एफकेट की जर्नी को और आसान बनाने के लिए सो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर दैट particular सरप्राइज अन अकेडमी डिफेंस मेंटर्स की पूरी टीम उस डायरेक्शन में आपकी मदद करने आ रही है सो so, बहुत ही जल्द आपको वो पता चल जाएगा थैंक यू सो वेरी मच सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन